पवित्र सुसमाचार में बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक रस का कुंड खुदवाया, एक अच्छी दागबारी बनाई, चारों तरफ घेरा बंधाया और जब सब कुछ रेडी हो गया तो उसे नौकरों के हाथ में लीज पर दे दिया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का चिंतन का विषय है संत मार्कुस के अध्याय से, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 12 तक। अच्छी बात है, एक व्यवसाय के आधार पर कई व्यक्ति ऐसा करते हैं, परंतु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त इस वचन के आधार पर बता रहे हैं कि जिन नौकरों को यह दागबारी सौंपी गई थी उनकी सोच गलत थी। उन लोगों ने इसे किराए पर लेकर सोचा कि अब ये उनकी हो गई है, इसीलिए उन्होंने जितने भी लोग आए सबके साथ अभद्र व्यवहार किया और किसी को भी वसूली नहीं दी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे इस दागबारी को हथियाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मालिक के सभी लोगों को मार डाला, उनको डरा दिया, धमका दिया और बिल्कुल करीब नहीं आने दिया। अंत में मालिक का विचार बहुत अच्छा था, मालिक चाहता था कि वे तरक्की करें, इसलिए मालिक ने यह सोचकर कि वे मेरे पुत्र का सम्मान करेंगे उन्हें चुना और चुनकर भेजा ताकि वे सच्ची वसूली दे सके। पर देखिए, जिसकी सोच गंदी होती है उसके पूरे विचार कार्य भी गलत ही होते हैं। जब उन्होंने मालिक के पुत्र को देखा तो उन लोगों ने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और यह विचार किया कि यदि इसे मार दिया जाए तो यह तो उत्तराधिकारी करे और यदि उत्तराधिकारी को मार दिया जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको मार डाला। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र वचन के अंत में बताया गया है अंत में क्या होगा। अंत में मालिक स्वयं आएगा और उनसे वो अधिकार जो उसे दिया गया है छीन लेगा और दूसरों को सौंप देगा। पाठ बिल्कुल सरल है। आजकल हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा कुछ होता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र वचन के माध्यम से ईश्वर बताना चाहता है कि सब व्यक्ति को अपने अंत के बारे में सोचना चाहिए। ईश्वर बताना चाहता है कि हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उसे जो दिया गया है वो उसका खुद का नहीं है, जो दिया गया उसे अंत में हिसाब देना पड़ेगा। पर देखिए, आज बड़ी विडंबना है, हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, अपने अंत के बारे में सोचते तक नहीं है। परंतु देखिए, अंत में उन नौकरों के साथ क्या हुआ जिन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, जो लोग ये सोच रहे थे कि सब कुछ उनका हो गया, उनको बेदखल होना पड़ा, उनके पास जो कुछ था सब छीन लिया गया। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने अंत के बारे में विचार करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जो हमें दिया गया है वो आपके आधार पर दिया गया है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें जो दिया गया है उसको हम बराबर से सदुपयोग कर सकें,
अपने जीवन में उपयोग करके उससे फल उत्पन्न कर सके। और खास करके जब हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो उसे प्रोत्साहन दें। हम अपनी मनमानी नहीं करें, मनमानी करने का अंजाम हमेशा बुरा होगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें, इस पवित्र वचन के आधार पर अपने अभद्र व्यवहार को छोड़ दें, अपने मनमाने व्यवहार को छोड़ दें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें एक ऐसी सोच दीजिए ताकि हम अंत के बारे में सोचकर जीवन को सही निर्वाह कर सकें और सब कुछ संपन्न कर सकें।